हेलो एवरीवन, नमस्ते, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज मंडे है और अभी आफ्टरनून के 4 बजे है। मैं जस्ट अभी फ्री हुई हूँ काम से। लंच में आज मैंने तो दाल राइस बनाए थे, तो मैंने और काजल ने खाए। बाकी हबी तो गए काम से, तो उन्होंने अभी तक नहीं खाया है, आ जाएंगे अभी। फिर मैं तो टेबलेट भी मैंने ली है, बट मुझे सिरप पीनी है। जैसे वो एसिडिटी की बताया था आपको, सिरप चालू करवाई है डॉक्टर ने, तो वो पीनी है। वो मैं भूल गई हूँ, अभी मैं काम उतरा है इतना लेट कि तो पानी भी लेट आ रहा है, 1:30-2 बजे पानी आ रहा है, तो काम को लेट हो गई हूँ आज बहुत। अभी जस्ट मैं शावर लेके आई और हेयर भी वॉश करके आई। एक दिन छोड़ के हेयर वॉश करने पर रहे, नहीं तो ऐसा हो रहा है गर्मी में बाल पूरे चिपचिपे हो रहे। एक दिन छोड़ के कभी तो डेली भी, रोज भी मैं हेयर वॉश कर रही हूँ, नहीं तो ऐसे अच्छे ही नहीं लग रहे। पूरा गर्मी में ऐसे हो रहा है। और तो चलो एसी में बैठते, बाकी का टाइम बाकी किचन में खड़े रहो, तो वो टाइम पे तो गर्मी होती है। और जितना हो सके तो मैं फ़ैन चालू करती हूँ, किचन में फ़ैन तो लगा हुआ है, बट क्या हो रहा है ना, जब गैस चालू होती है ना तब मैं फ़ैन नहीं चला सकती हूँ, क्योंकि तो फिर पूरा फ़ैन की जो हवा है वो गैस पे लगती है, तो गैस बंद हो जाती है। तो उसकी वजह से मैं विंडो थोड़ा खोल लेती हूँ, और जब तक मैं सब्ज़ी काटूँ या आटा गूँधूँ या अटेंसिस लगाऊँ तब तक फ़ैन चालू रहता है। बाकी का टाइम फिर अगर गैस पे काम हो रहा है तो बंद होके मुझे गर्मी में खड़ा रहना पड़ता है। जैसे आपने देखा कल मेरी रात को बजे तलते तलते मेरी हालत ख़राब हो गई, एकदम से ऐसे हो गया था, कंफ्यूज हो गई थी बहुत मैं। तो जैसे एसी में जाके बैठी तब भी ठीक हुई, तो ऐसा हो रहा है किचन में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। सुबह में उठ के फिर कोकी बनाया आज, तो मैं फ़ैन चालू करके बैठी। मैंने क्या किया, कोकी सब पहले बेल दी, सब आटा गूंथ के, हबी और मेरा ही था, काजल तो वैसे भी उठ के फ्रूट ही खाती है अपना, बनाना वगैरह एप्पल वगैरह, तो मैंने इनका और मेरा कोकी का आटा गूंथ के पहले बेल दिया, क्यों तो फिर गैस चालू करूँगी, फ़ैन बंद करना पड़ेगा। बेल के वो रख ली, जब तक मैं आटा गूंथ के बेल रही थी, जब तक फ़ैन चालू था, जब बेल के उठ गई मैं, मेरा हो गया सब बेल के, फिर मैंने फ़ैन गाइस फैन चालू कर किचन में फैन चालू की है फैन। तो फिर बाद में मैंने फैन बंद कर दिया, तो जैसे ही मेरी आटा गुना कोकी बेली उसके बाद मैंने फैन बंद कर दिया। फैन की वजह से मैं फैन बोल रही हूँ, फैन होता है, फैन नहीं होता है, तो मैं फैन को फैन क्यों बोल रही हूँ पता नहीं। जब मुझे नींद आती है तो कौन से वर्ड मेरे मुंह से निकलते हैं, मुझे खुद की गारंटी नहीं है। तो फिर ऐसा कर रही हूँ जैसे अच्छे से मैं हवा में खड़ी रहूँ किचन में। और हाँ, मेरे क्लोथ आज मैंने फिर से ये मिट्टी पहनी है, तो प्लीज़ इग्नोर माय क्लोथ्स इन समर, बिकॉज मुझे इतनी गर्मी हो रही है, जो मुझे कंफर्टेबल लग रहा है मैं वही पहन रही हूँ। ओनली नाइट सूट पहनूंगी अभी ब्लॉग में, और ये मिडी तो नाइट सूट से भी ज़्यादा कंफर्टेबल है मुझे, इतनी लूज है वो, इतनी ना लूज है, तो मुझे ना बिल्कुल भी गर्मी नहीं हो रही है, मिडी अच्छी लग रही है पहनने में। तो ये होती है तो पहले मैं ये पहन लेती हूँ, और अगर ये नहीं होगी तो फिर नाइट सूट पहनूंगी। तो इग्नोर करना, अभी सेम ही नाइटीज ही वगैरह मैं पहनूंगी, क्यों तो ज़्यादा गर्मी है, किचन में मेरी हालत बहुत ही ख़राब हो रही है, तो इसके लिए मुझे खुद को पूरा कंफर्टेबल रखना पड़ेगा। क्लोथ्स ऐसे हल्के हल्के पहनने पड़ेंगे जिसे मैं किचन में खड़ी रह सकूँ और काम कर सकूँ। तो अब मैं जाके सो रही हूँ सिरप पी के, फिर मिलती हूँ आपको सीधा चाय पे। गाइस अभी शाम के 7:45 बजे हैं, मैंने इतनी नींद की है 4 बजे आपसे मैं बोल के सोई थी, मैं अभी सो रही हूँ, सीधा 6:15 बजे उठी हूँ। अभी भी आ गए, काम से गए थे, फिर आ गए, बैठे थे, आंटी ने आज काम किया तो अभी बैठे थे, काजल और मैं दोनों सो गए हैं, तो अभी आए थे, उन्होंने ही करवाया थी, तो फिर बाद में काजल और मैं तो सो ही गए थे, अभी आए, मैं उठी थी वो टाइम पे, बोल रहे थे मुझे सो जा वाले, आंटी को दी काम करके जाएंगे, तो मैं सो गई वापस। तो अभी बैठे ही थे कितनी देर, ये तो सोए नहीं, मैंने बोला आप सोए क्यों नहीं, आते थे वैसे आराम करते आफ्टरनून में, तो आज सोए भी नहीं। फिर उठी हूँ, अभी चाय वगैरह पी, अभी नाश्ता बोल रहे थे, मैंने बोला कोकी पड़ी है दाल के साथ खाओ, आफ्टरनून में दाल राइस बनाया, तो बोले नहीं रात को दाल के साथ भिंडी कर लो। तो अभी सब्जी देखने गए, मिल रही है तो सब्जी खलास हो गई है, तो देखने गए भिंडी मिले, मैंने बोला भिंडी लेके आओ, सिंघी लेके आओ, और साई भाजी लेके आओ, पालक जैसे हम बोलते हैं पालक वो लेके आओ, और मटर मिले तो मटर लेके आओ।
तो थोड़ा चेंज चेंज करके बनाओ। तो रात को अगर मिल गई अभी सब्जी तो दाल के साथ में रात को टमाटो में बीटी बनाती हूँ। वैसे अगर दाल ना हो तो ओनियन के साथ बनाती हूँ, लेकिन अभी टमाटो में बनाऊंगी। अगर दाल पड़ी है तो मिल गई तो गए हैं देखने। सुबह में भी धनिया लेके आए तो आधा समा मिल रहा है आधा नहीं मिल रहा है, धनिया के साथ कड़ी पत्ता नहीं मिला है तो ओनली धनिया मिला है वो भी थोड़ा सा। तो सब्जियां भी बरोबर नहीं मिल रही है, अभी तो टोटली बंद है अभी भी। तो सब्जियां मिल रही है लेकिन हिसाब से मिल रही है, अपने जैसे मिला तो ये भी धनिया जैसे समझ में आया लेके आए। तो अभी हल्का एक दो दिन चलेगा मेरा धनिया और उससे ज़्यादा नहीं चलेगा, थोड़ा ही है। तो धनिया तो मुझे इतना चाहिए होता है, कड़ी पत्ता तो पहले वाला पड़ा है वो फ्रेश पड़ा है अच्छे से, तो उसमें से ही काम मेरा चल जाएगा। एक दो दिन रख के फिर वापस से मुझे धनिया और कड़ी पत्ता मंगाना पड़ेगा, या तो फिर मैं कल ही बोलूँगी जैसे समझ में आया तो और भी धनिया और कड़ी पत्ता लेके आओ। पर मैंने घर में इतना रखती हूँ धनिया कड़ी पत्ता, मुझे बहुत चाहिए होता है घर में, हर सब्जी में पड़ता है ना, जैसे दाल में पड़ेगा धनिया, कोकी में पड़ेगा। पहले तो हरी मिर्ची भी इतना डालती थी, फिर अभी की वजह से हरी मिर्ची डालना बंद कर दिया है। तो अभी तो हरी मिर्ची तो बोलती हूँ नहीं लेके आओ, खाली कड़ी पत्ता और धनिया ही लेके आओ, ऐसे करो। हरी मिर्ची किसी काम की नहीं, इन्होंने खानी ही नहीं है तो लेके क्या मतलब, इससे अच्छा तो कड़ी पत्ता ज़्यादा लेके आओ जो फिर भी काम आ जाता है, सब में लगभग पड़ता ही है, पोहे हो या दाल हो उसमें पड़ ही जाता है। बाकी ग्रोसरी वगैरह तो सब पड़ी है घर में रेडी, बाकी सब्जियों का थोड़ा हो रहा है मेरे तो ठीक है। अभी गए हैं देखने तो अभी इन्होंने बोला जब तक तो कोकी गर्म कर, पापा के साथ खाऊंगा फिर उसके बाद चाय पीएंगे। मैं तो अपना बनाना और रोल, मेरे लिए बनाना और क्रीम रोल पड़े हैं वही खाऊंगी, तो फिर चाय वगैरह बनाऊँ। तो आँखें ही भरी हो रही है ज़्यादा नींद करने से। फिर अभी बैठ के थोड़ा मोबाइल वगैरह चला रही थी, नींद में से उठी, रील वगैरह पोस्ट किया थोड़ा, फिर बैठ के मोबाइल वोबाइल चलाया। मैंने बोला देखो नींद में से उठ के थोड़ा लगता है सोने के टाइम पे मोबाइल चार्जिंग पे रख के डू नॉट डिस्टर्ब पे रख के बंद करके सो जाती हूँ मैं, जैसे नींद अच्छी हो, किसी का फोन नहीं आया, मैसेज की रिंग ना बजे तो नींद हो जाए। एसी चालू करके सोई थी, गर्मी इतनी, और अभी देखा तो यहाँ पे स्लाइडिंग खुली हुई थी तो मैंने खोल दी, तो गर्मी हो रही थी। कल भी मुझे किचन में प्रॉब्लम हुई थी तो इसकी वजह से मैंने उठने से अभी स्लाइडिंग खोल दी, तो इतनी बाहर हवा लग रही है जैसे बारिश पड़ेगी, बहुत हवा लग रही। देखूँ तो किचन पूरा अभी वापस से मट्टी मट्टी हो गया है। अभी मैं इनको नाश्ता दे रही हूँ, मैं भी खा रही हूँ, खा ले रही हूँ, फिर चाय पी के फिर यहाँ पे किचन में मुझे झाड़ू लगाना पड़ेगा। मेरे पैर में इतनी मट्टी लग रही है अभी, मुझे खड़े रहना पसंद नहीं आ रहा है, इतनी मट्टी आ गई है बाहर से, इतनी हवा आ रही है, इतनी मट्टी हो गई है। काजू पापा के मैंने फोन में फोन था पहले कड़ी पत्तों में नहीं था, कड़ी पत्तों भी गीले यार। और अभी स्पेक्स में याद करके पहन रही हूँ तो मोबाइल चला रही हूँ, उसके बाद तकलीफ हो रही है टीवी और मोबाइल में। अगर नहीं पहन रही हूँ तो मुझे दो सब दिखाई दे रहे है। मिली सब्जी? एक तो सब्जी मिला सबसे, क्या मिला बाकी तो मिली नहीं, भिंडी भिंडी मिली ओनली, और फ्रूट में लेके आया बस केले और ये और कड़ी पत्ते बस। और वो पालक वगैरह नहीं मिली, पालक मटर कुछ भी नहीं, रहने दो कल फिर देखना। कड़ी पत्ता तो कल लेके आऊंगा शॉप से, तो कड़ी पत्ता तो मिला ना, कड़ी पत्ता वो मेन चाहिए था मुझे, सुबह में धनिया के साथ नहीं मिला था ना। चलो खाओ नाश्ता, मैंने गरम करके रखा है, सुबह में भी ठंडा खाया आपने, सुबह में भी नाश्ता रुल गया, अब भी वही हाल है, अभी भी गरम किया है नाश्ता तो आप सब्जी लेने गए, लेके आऊँ अभी।